press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम फ्लो। अभी तक के वीडियोस में दोस्तों हमने देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, वो मैग्नीट्यूड हमें कूलॉम्स लॉ बताता है। तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। देखिए, अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 जिनके बीच का गैप r है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके लिए कूलॉम ने अपने को लॉ दिया। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इफ टू पॉइंट चार्जेस आर placed at a distance of r from each other, then the force of attraction or repulsion between them is, अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखिए क्या बोला, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। Q1 और Q2 के जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोलता है, एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वेयर के। डिस्टेंस कितने हैं दोनों के बीच का, आर, तो इसके स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंबाइन करके लिखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, दैट इज कूलॉम्स लॉ। इसका मतलब क्या है, अगर Q1 और Q2 दोनों को या दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उनके बीच का गैप कम करेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स है वो उसके स्क्वेयर के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। अगर उनके बीच का गैप इंक्रीज करेंगे तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो उसके गैप के स्क्वेयर के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कूलॉम्स लॉ, इसको हम कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका हमने फॉर्मूला बना दिया, एफ इज इक्वल्स टू Q1, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। अब जो प्रोपोर्शनल का साइन है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा हमारे पास में के, और के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट। के क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। देखिए के की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस। एंड सेकेंड वन, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चोजन फॉर द वैल्यूज ऑफ एफ क्यू वन क्यू टू एंड आर। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है हमारा के, उसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन तो किस पर डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेज, एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है, उनके बीच में मीडियम क्या फिल है, उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। सेकेंड डिपेंड करती है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फोर्स क्यू वन क्यू टू और आर के सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹ यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट इसके लिए होती है न्यूटन मीटर स्क्वेयर बाय कूलम स्क्वेयर। इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं यूनिट को। कैसे डिराइव करेंगे? यहाँ से के का फॉर्मूला डिराइव कर लो, एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू। फोर्स के लिए यूनिट होगी न्यूटन एसआई सिस्टम में, डिस्टेंस के लिए होती है मीटर और स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलाम तो कूलाम और कूलाम तो कूलाम का स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर बाय कूलाम स्क्वेयर। याद रखेंगे के इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर बाय कूलाम स्क्वेयर। सीजीएस सिस्टम के अगर हम बात करें तो इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू होती है 1। सीजीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 1। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1। एसआई सिस्टम में के जो होता है इज रिटन एज 1/4πε₀। के की वैल्यू को हम 1/4πε₀ भी लिखते हैं। अब देखिए ये एप्साइलन नोट क्या है, एप्साइलन नोट 1/4π तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। एप्साइलन नोट क्या है? एप्साइलन नोट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम और फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम बोल रहे हैं एप्साइलन नॉट। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूला से अगर हम एप्साइलन नॉट को कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में 1/4πK। वैल्यू रिप्लेस कर दो 1/4πK की वैल्यू रखेंगे एसआई सिस्टम की 9 × 10⁻⁹। तो इन एसआई सिस्टम एप्साइलन नॉट इज 8.854 × 10⁻²। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.854 × 10⁻²। यूनिट की बात करते हैं, देखिए यहाँ से के और एप्साइलन नोट के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होगी उसके रेसिप्रोकल और उसके इनवर्स के इक्वल यूनिट होगी किसकी, एप्साइलन नोट की। तो के की यूनिट में जो पावर्स प्लस की है वो माइनस की और जो पावर्स माइनस की है वो प्लस की, तो यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर।
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी। अब देखिए डाइमेंशंस की बात कर लेते हैं, के और एप्सिलॉन नॉट की डाइमेंशंस क्या होगी, तो डाइमेंशंस को हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला में वैल्यू लगाएंगे। यहाँ से के का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू। फोर्स, फोर्स का डाइमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे, एम वन एल वन टी माइनस टू। आर क्या है, डिस्टेंस, तो एल पावर टू है तो टू डिवाइडेड बाय, चार्ज के लिए होता है ए वन टी वन और चार्ज टू टाइम्स है तो ए टू टी टू। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में, एम वन एल थ्री टाइम्स है, टी ऊपर जाएगा तो माइनस टू तो माइनस फोर टाइम्स हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट इज एम वन एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यहाँ जो पावर प्लस की है वो माइनस, जो पावर्स माइनस की है उनको प्लस कर देंगे, तो एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी प्लस का फोर और ए प्लस का टू। एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टू। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि कोई मीडियम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इफेक्ट होगा, या कोई मीडियम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज द मेजर विच शोज हाउ ए मीडियम इफेक्ट्स और अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। कोई मीडियम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इफेक्ट करेगा और कोई मीडियम खुद इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इफेक्टेड होगा, ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब देखिए कूलाम्स लॉ से, कूलाम्स लॉ से हम चार्ज की यूनिट जो है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर। एसआई सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलाम, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट है वो है स्टेट कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ से इफ क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू टू इज इक्वल्स टू क्यू, अगर क्यू वन और क्यू टू इक्वल हैं क्यू के, R इज इक्वल्स टू वन मीटर, अगर R वन मीटर है और F इज इक्वल्स टू नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर नाइन न्यूटन, ये नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर नाइन न्यूटन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर नाइन, K की वैल्यू भी होती है नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर नाइन, Q1 की जगह रखेंगे Q, Q2 की जगह भी रखेंगे Q, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 कूलाम, Q प्लस माइनस 1 कूलाम के इक्वल हो जाएगा अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो उसके बाद में सेकेंडली इफ, दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, इफ Q1 इज इक्वल्स टू क्यू टू इज इक्वल्स टू वन कूलाम, अगर Q1 और Q2 वन कूलाम है और R वन मीटर है तो F किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर, K
होता है 9 × 10⁻⁹ क्यू 1 1 है, क्यू 2 भी 1 है और आर भी 1 है, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अगर फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन है, डिस्टेंस 1 मीटर है दोनों के बीच का, और दोनों चार्ज इक्वल हैं तो चार्ज 1 कूलाम होंगे। अगर दोनों चार्ज 1 कूलाम है, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होगा। तो यहाँ से हम 1 कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 कूलाम If two similar and opposite for if two similar and opposite charges, sorry, if two similar and equal charges repels each other with an electrostatic force of 9 × 10⁻⁹ newton when placed in vacuum or free space, then the amount of charges is 1 कूलाम each। तो उन चार्जेस का अमाउंट जो है वो 1 कूलाम एच होगा। अगर दो सिमिलर मीन्स सेम नेचर के और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपेल करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलाम होगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 1 CGS में जो 1 stat कूलाम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ क्यू 1 q 2 इज इक्वल टू क्यू आर 1 cm हो जाए, यहाँ से आर 1 cm हो जाए तो एफ इज इक्वल टू बन जाएगा, क्योंकि CGS में k की वैल्यू होती है 1, इन CGS में k की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स हो जाएगा 1 dyne cm, फोर्स 1 dyne। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ से चेंज कर देंगे, 1 = 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ±1 esu, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1 esu। यहाँ से भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर q1 q2 1 esu हो, r 1 cm हो, तो k की वैल्यू पुट करो इधर 1, तो फोर्स होगा 1 dyne। तो यहाँ से स्टेट कर सकते हैं, इफ टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है, यहाँ से 1 electrostatic unit और 1 stat कूलाम को डिफाइन कर देंगे। इफ टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल्स ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 1 dyne व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, देन द अमाउंट ऑफ चार्जेस इज 1 esu और 1 stat कूलाम। अगर दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस एक दूसरे को 1 dyne के फोर्स से रिपेल करते हैं when placed at a distance of 1 cm, तो उनके बीच का जो गैप, उनके बीच का जो फोर्स है वो 1 dyne होगा, तो चार्जेस की वैल्यू 1 esu या 1 stat कूलाम होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास में कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग कि कूलाम्स लॉ का न्यूमेरिकल कैसे आएगा।
फॉर्मूला हमारे पास में एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर। अब देखिए हमें क्यू वन क्यू टू और आर की वैल्यू गिवन होगी तो फोर्स पूछा जाएगा, या फोर्स क्यू वन क्यू टू की वैल्यू गिवन होगी तो आर पूछा जाएगा, या फोर्स आर और एक चार्ज गिवन होगा तो दूसरा चार्ज पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, इफ टू पॉइंट चार्जेस वन माइक्रो कूलाम एंड माइनस टू माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। गिवन डाटा क्या है, Q1 की वैल्यू गिवन है हमें, Q2 की वैल्यू गिवन है हमें, Q1 कितना गिवन है प्लस वन माइक्रो कूलाम, Q2 हमें कितना गिवन है माइनस टू माइक्रो कूलाम, R हमें गिवन है वन मीटर, K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 रेस टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर बाय कूलाम स्क्वेयर। अब देखिए SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, हमें गिवन है माइक्रो कूलाम, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइक्रो का मतलब है 10 रेस टू द पावर माइनस 6 कूलाम, यह हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 कूलाम। वैल्यूज पुट कर दीजिए, F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। अब Q2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में है, या तो माइनस पुट करेंगे तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा, या फिर वैल्यू प्लस में ही पुट कर देते हैं और प्लस माइनस है तो हम बाद में नेचर लिख देंगे, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करेंगे 9 टू जा 18 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 प्लस 9 तो 10 रेज टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। फोर्स जो होगा 18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। अब देखिए एक चार्ज प्लस में है एक चार्ज माइनस में है, दोनों का नेचर अपोजिट है तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा दैट इज अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि प्लस और माइनस के जो चार्जेज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो एफ इज इक्वल टू 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 न्यूटन अट्रैक्शन के नेचर का फोर्स होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, एक ये चार्ज है क्यू वन एक ये चार्ज है क्यू टू, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा इन दोनों चार्जेस की जो लाइन है जो इनको ज्वाइन करती है ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही होता है, अट्रैक्शन का फोर्स है इधर तो ऐसे होगा अट्रैक्शन का फोर्स, और अगर रिपल्सन का फोर्स होगा किसी क्वेश्चन में तो वो ऐसे होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन होगी। तो दोस्तों ऐसे हमारे पास में कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे, कूलाम्स लॉ होता क्या है वो याद रखना है और कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स अपने को सॉल्व करने आने चाहिए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, और उसी वीडियो में हम देखेंगे कूलाम्स लॉ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा और बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।